गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं, मैं नीलेश कुमार। तो अभी जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, पीजी ऑन स्पॉट एडमिशन है जो कि 17 है, 22 से 24 है, और एमए, एमएससी, एमकॉम, तो यह तीनों का अपडेट है। तो वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो क्या ऑन स्पॉट एडमिशन का प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले तो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं या मुंगेर विश्वविद्यालय का या ऑफिशियल नोटिस है, मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर बिहार, और डेट है 2 अगस्त 2023, मतलब कि यह नोटिस जो है कल आया हुआ था पीजी का। और इसमें बोला गया है सूचना में कि स्नातकोत्तर जो 17 है 22 से 24 के वैसे छात्र जो ऑन स्पॉट में अपना नामांकन एवं पंजीयन नहीं करवा सके हैं, वैसे छात्र को सूचित किया जाता है कि ऑन द स्पॉट नामांकन एवं पंजीयन पत्र भरने की तिथि जो है 3 अगस्त 2023 को कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे समय दिया गया है 12 बजे तक दिया गया है 12 बजे से, और 4 अगस्त 2023 तक शुक्रवार तक चलने वाला है। और जिन छात्रों का पूर्व नामांकन जो है पहले से हो चुका है उनको क्या करना है, जीरो पेमेंट का जो सबमिट है नहीं किए हैं, जो भी स्टूडेंट्स अभी तक नहीं किए हैं जीरो पेमेंट का, क्योंकि अगर आप जीरो पेमेंट नहीं करते तो आपका एडमिशन जो है वह रद्द हो जाएगा। और इसमें दिया गया पुनः सीट बुक कराकर अपना नामांकन जो है वह करा सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ दे दिया गया। तो आप अच्छे समझ गए हो। तो जो बोला गया यहाँ पे कि सत्र था 22 से 24 है, ऑन स्पॉट नामांकन था, और पंजीयन मतलब होता है रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं वो रजिस्ट्रेशन करवा ले, जो कि समय दिया गया है 3 अगस्त से लेकर 4 अगस्त तक आप करवा सकते हैं। और जो स्टूडेंट जीरो पेमेंट नहीं किए हैं उनको क्या करना है, जीरो पेमेंट का जो है उनको पेमेंट भी कर देना है जितने भी हैं। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है पंजीयन नोट में कुछ दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन भरने के लिए छात्र छात्रा को दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन करवाना होगा, जो कि महाविद्यालय प्रधानाचार्य से, और जो पंजीयन के लिए CLC या माइग्रेशन जमा नहीं किए उनको जमा करना होगा। मतलब कि रजिस्ट्रेशन आपको करवाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा, भौतिक सत्यापन करवाना होगा, तभी आप जो है रजिस्ट्रेशन को कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स CLC या माइग्रेशन जमा नहीं किए हैं वो स्टूडेंट्स जमा कर सकते हैं। उसके बाद एक डाउट आप लोग के मन में आ रहा होगा, उनको भी आप लोग डाउट क्लियर कर ले। ऑन द स्पॉट नामांकन मतलब होता है कि सीट को आप बुक कर सकते हैं, बट इसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं न्यू अप्लाई नहीं कर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एक चीज़ डाउट क्लियर कर ले आप लोग, तो नया फॉर्म जो है इसमें अप्लाई नहीं होगा। जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर चुके हैं, तो जो स्टूडेंट्स क्या है फॉर्म को पहले से अप्लाई कर दिए हैं, सिर्फ यह उन्हीं के लिए ऑन स्पॉट प्रक्रिया है। और जो स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन और CLC जमा नहीं किए उनको जमा करना होगा, बट और जो स्टूडेंट्स जीरो पेमेंट नहीं किए उनके लिए भी यह जो है ऑन स्पॉट प्रक्रिया। तो नया जो आवेदन है वह अप्लाई नहीं होगा आपका, सिर्फ वैसे स्टूडेंट्स का ये ऑन स्पॉट प्रक्रिया है जो पहले से फॉर्म को फिल कर चुके हैं या भर चुके हैं और जीरो पेमेंट जो स्टूडेंट्स नहीं किए, तो उनके लिए यह अपडेट है ऑन स्पॉट प्रक्रिया का। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे इस वीडियो को, वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।